बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार जोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनिया मन बिरतियां नू एकागर करन दे लई रसना नू पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से प्रसंग इथों तक पहुंचा है कि मरदाना काबे दा दर्शन करन दे वास्ते अंदर गया पर मजार ने उसनू मोड़ दिता कि जिन्ना चिर तू अखां ते पट्टी बन के अगे नहीं जांदा उन्ना चिर तेनू नहीं जान देना। ते मरदाना मुड़ के वापस सतगुरां दे कोल पहुंच गया। इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। ऐसे सुन बैन मोर जानो हट आयो टेग गुरु मुस्कान मरदाने देखियो थान को। मरदाना जदों वापस सतगुरां दे कोल पहुंचया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मुस्करा के मरदाने नू कहंदे ने, मरदानिया किस तरह दी जगह देख के आया। कह नहीं जान देह कैसे देखो जाए तहां जाए जे मजौर नैन बांधे डीठ हान को। मरदाना कहन लगा सच्चे पातशाह देखना की सी, मैनू ते किसे ने अगे ही नहीं जान दिता। ओ जड़े मजार ने ओ कहंदे ने के तू ता अंदर जा सकदा है जे तू अपनी अखां दे उत्ते पट्टी बने। ते सच्चे पातशाह जे मैं पट्टी बन के जावांगा ते फिर वेखांगा की वेख नहीं सकदा कोई। संग तुमे आए बिना देखे जावा अब रह पछतावे पेद खोए ना लखान को। मरदाना कहिंदा सच्चे पातशाह मैं किस तरह अंदर जाके देखा। सच्चे पातशाह ओ कहिंदे ने पट्टी बन के जाना पवेगा। कहिंदा सच्चे पातशाह जे हुण इत्थे आण के भी मैं अंदर जाके कुछ देख ना सकिया ते सच्चे पातशाह फिर की फायदा होवेगा। रहो पछतावो भेद होए ना लखाण को। सच्चे पातशाह मैं भेद अंदरला जान नहीं सकांगा, ए भेद दा भेद ही रह जावेगा, ए राज दा राज रह जावेगा ते मैं पछतावांगा। फिर कब देखो जे न अब देखियो जाए प्रभ मोको देख राय पुन की जय प्रस्थान को। मरदाना कहिंदा जी हुण ते इन्नी दूर आए आ जे इथों आण के भी बगैर देखे तो ही मुड़ गया ते फिर मैं कदों इत्थे पहुंचना है। सच्चे पातशाह मेरे ते करो कृपा, हुण मैनू तुसी अंदरला जिहड़ा नजारा है ना ओ दिखा के फिर ही इथों जाण दी तैयारी करे। देखण चाह बिसाल इती तुज जाए पेखो अब के मर दाना। जदों इस तरीके दे नाल मरदाने दियां बेनतियां नूं सुनिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने, हे भाई मरदाना जे इन्नी ही तेरे मन दे विच इस काबे नूं देखण दी इच्छा है ते कहिंदे ने हुण दुबारा जा, हुण तेनूं कोई नहीं रोकेगा। देख सके ना मुजार तो हे को अंतर जाहो निसंग सुजाना। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने दुबारा जा, हुण ओ जिहड़े तेनूं रोकण वाले मुजार ने ना ओ तेनूं देख ही नहीं सकणगे ते तू निडर होके उस दे अंदर
चलिया जाए। आय सतार लई सिर पे सुन बैन वडो मन में हर खाना। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सतगुरां ने इंज आख्या कि तेनू कोई देख ही नहीं सकेगा, तू आराम दे नाल अंदर चलिया जावेगा, उस वेले सतगुरां दे हुक्म नू उसने अपने मस्तक दे उत्ते धारण किया, भाव के सतबचन आख्या ते वड्डा ही मन दे विच खुश होया। अंतर ताहे प्रवेश करा सब अंध पए नहीं कहूं लखाए। उस वेले छेती दे नाल ही अंदर मर्दाना प्रवेश कर गया, मानो के देखण वाले वो सारे दे सारे जिहड़े मजौल सन ते तुरक सन वह मानो के अन्ने हो गए, किसी नूं कुछ नहीं दिसे। अंतर जाए के देखत क्या एक पाहण मूरत पूर तरी। जदों मर्दाना उस काबे दे अंदर पहुंचे ते की देखदा है कि एक पाहण दी मूर्ति तरी हुई है। कहण तों भाव है कि एक पत्थर दी जिहड़ी मूर्ति है ना वह तरी हुई है। तूषण हो निकसा तब ही टिग आयो तवै जह बैठ हरी। बड़ी छेती दे नाल ही मर्दाना उस पत्थर नूं देख के वापस सतगुरां दे कोल पहुंच गया और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल आण के बह गया। बूझत पे मन को ज मनोरथ पूरन कीन अबै के बरी। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मर्दाने नूं कहिंदे ने, मर्दानिया की हुण इस वेले तेरे मन दा जिहड़ा मनोरथ है वह पूर्ण हो गया जां कि अजे रहिंदा है। कहिंदे ने कैसे बिलोकण कीन कहो मर्दाने तवे सो गुर सो उचरी। सच्चे पातशाह जी मर्दाने नूं कहिंदे ने, मर्दानिया दस उस काबे दे अंदर तू की देख के आया। उस वेले मर्दाने ने हथ जोड़ के बेनती की, कछु नाहे ताहां एक पाण है लाहावड या को संग पर संग मुख पाख के सुनाइए। मर्दाना कहन लगा, सच्चे पातशाह उस काबे दे अंदर ते होर कुछ भी नहीं है। सच्चे पातशाह एक पत्थर मैं उस जगह ते जाके देखिया, ओ पत्थर दा जिहड़ा प्रसंग है ना ओ सुनाओ कि एक पत्थर रखण दी एडी वड्डी की महानता हो सकदी। पयो कैसे थान जाकी मानता महान नहीं देखत दरस क्यों नैन मूंद जाइए। मर्दाना कहिंदा, सच्चे पातशाह काबे दे अंदर होर कोई भी विलक्षण चीज नहीं है, एक पत्थर तरिया होया है। सच्चे पातशाह इस पत्थर दी एडी वड्डी महानता के लोके दूरां दूरां तों आण के इस नूं देखदे ने, इस दी एडी वड्डी महानता वाली की गल है। इस तों इलावा जिहड़े तुरक ने ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਤੁਰਕ ਕਹਿਤ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਖੇਕਤ ਹੈ ਸਵੇ ਸਿਰ ਨਾਈਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਜਾਣਤ ਹੋ ਸਵੇ ਬਿਧ ਦਇਆ ਕੀਜੇ ਦਇਆ ਨਿਧ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਦੇਣ ਹਾਰ ਸੋ ਕੋ ਮਿਟਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਲਾਏ ਪਾਜ ਰਖਤ ਦੁਰਾਏ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੋ ਸੋ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਓ ਮਾਇਰ ਦੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਪੂਰਬ ਪਿਨਾ ਕੀ ਲਿੰਗ
तारे ओए ठौर बेखे कवे को लखाइए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने के जिस दी घरवाली है उमा, उमा कहंदे ने पार्वती नू, पावे है के जेड़ा शिवजी भगवान है उसदा इत्थे शिवलिंग सी, बड़े ही पुराने समय तो इत्थे रखिया होया सी। शिव पुराण दे विच 12 ज्योति लिंगां दा जिक्र आया है। हिंदुआं दा विश्वास है कि इन्हां ज्योति लिंगां विचों एक लिंग मुल्क अरब दे मक्का नाम शहर दे मंदिर काबा दे विच रखिया है। हिंदू कहिंदे हन कि इह प्राचीन समय तो शिवजी मंदिर सी, हुण मुसलमानां ने अपना पूजनीक अस्थान बना लिया है। शिवलिंग अजे भी उसे तरह उत्थे मौजूद है, इह गल आम प्रसिद्ध मन्नी जांदी है। कहण तो पावे कि हिंदू कहिंदे ने कि उह शिवलिंग सी, उत्थे मंदिर सी, पर इन्हां ने उस ते कब्जा करके तुरकां ने अपना वड्डा जिहड़ा मंदिर है ना उस नूं उत्थे स्थापित कर लिया। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उसे गल दा जिक्र कर रहे ने कि उत्थे शिवजी दा शिवलिंग सी ते उह बड़े चिर दा उत्थे पिया सी। इस तों इलावा जिहड़े संपादक ने उह इक लम्मा नोट इस गल दे वास्ते लिखदे ने, काबे दा इतिहास ते तवारीखे इस्लाम दे विच वर्णित है कि काबे विच संग असवद नाम दा एक पत्थर इस स्थान ते बनाण दे समय तो चलिया आउंदा है। यह पत्थर काले रंग तो अंडाकार शकल दा जिही के अमूमन शिवलिंग दी शकल हुंदी है कुछ उसे तरह दा ही है। लिखिया है कि काबा एक वेर डिग पिया सी ते जद नवे सिरे हजरत मुहम्मद साहब दी जवानी दे दिना दे विच बनन लगा तद इस संग असवद दे रखे जान बाबत मक्के दे लोकां विच झगड़ा हो गया। हर फिरके दे आदमी अपनी हत्थी इस नू उत्थे रखना चाहुंदे सन। अंत नू हजरत मुहम्मद साहब ने अपनी हत्थी इस नू काबे दे विच रखिया। हज करन गए हाजी जद काबे दी प्रदक्षिणा करदे हन तद इस नूं चुम्मदे हन ते इस नूं दित्ते बोसियां दे कारण अपने पापां दी निवृत्ती समझदे हन। इह वी रवायत है कि इह पत्थर पहलां चिट्टा सी पर लोकां दे बोसे देण करके चुम्मण करके उहनां दे पापां दा भार चुक के काला शाह हो गया। काबे दे विच 360 बुत हुंदे सन पहलां। मुसलमान वी इस गल नूं मन्नदे हन। ताज्जब नहीं कि इह संग असवद कोई तदों दा सरदार बुत होवे। लिंग दी पूजा ना केवल हिंद विच बल्कि अक्सर बुत प्रस्त कौमां दे विच किसे ना किसे शकल दे विच हुंदी रही है। सारे बुत कढ के इक पत्थर नूं रख लैणा ते बोसे देने ते उस नूं इन्ना असर पजीर समझना कि पापां दे भार दे नाल रंग बदल गया है, इह बुत प्रस्ती दे बकइए जापदे हन। ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਖਤਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਆਣ ਮਾਹੇ, ਬਣਿਓ ਜੈਸੇ ਥਾਨ ਤੈਸੇ ਉਚਰੋਂ ਸੁਣੀ ਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਪਾਇਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਨਕਾਰ ਭੂਪ ਏਕ, ਤੁਰਕਣ ਪੱਖ ਵਿਖੇ ਗਾੜੋਈ ਜਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨਖਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਭੂਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਖਾਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੂਨਕਾਰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੁਰਕ ਸੀ
और अपनी शरह दे विच तुरकपुणे दे विच ओह बहुत ज्यादा शरह दा पक्का सी। ओह हिंदुआं दी जां हिंदुआं दी चीज नूं बिल्कुल देखना नहीं सी चाहुंदा। महादेव को लिंग तिन देख रिस उपजाए, निज सेवक को एव कहियो दीजै दूर उठाए। जदों उसने देखिया कि उजाड़ दे विच इह शिवलिंग पिया होया, ओह देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से दे विच आया और अपने सेवकां नूं आख्या कि इह जिहड़ा शिवलिंग है ना, इस नूं चुक के दूर सुट दे। तेज जब दस पई पावक प्रकाश बहो, देश उपदेश दाह लाग्यो है अचानकी। अपने दासां नूं उस राजे ने भेजिया, जदों उस नूं चुकन लगे ते उस दे विचों इन्नी ज्यादा अग निकली मानो कि उस दे सारे देश दे विच अग लग गई। अचानक ही सारे शहर नूं अग ने अपनी पकड़ दे विच लै लिया। नगर अगार बीथी चौहटे बाजार जरे, ऊंची राजधानी भूप हूं की सब हान की। उस वेले नगरां नूं अग लग गई, गलियां बाजारां दे विच अग फिर गई, सारे बाजार सड़ गए, सारियां उच्चियां अटारियां सड़ गईयां, इत्थों तक कि राजे दी जिहड़ी राजधानी सी ना ओह भी सड़ के सुआह दी ढेरी बन गई। ऐसे सो प्रताप पेख हाथ जोर ठांड पाए, दे दे ते बेसारी जो तीरी तमान की। जदों राजे दा सारा कुछ खाक हो गया ते उस वेले राजा बहुत ही ज्यादा डरिया। उसने जाणिया कि इस शिवलिंग दे विच कोई प्रताप है, कोई शक्ति है। उस वेले उन्हें अपने हंकार नू दूर कीता ते हाथ जोड़ के बेनती कीती। बंदे बार बार बहु बिनती बखान बानी, दास पायो आद पद गहे निज पान की। बार बार उस मुसलमान राजे ने नमस्कारा कीतियां ने उस शिवलिंग नू ते उस दे अगे आण के बेनतियां कीतियां ने। पाव के पत्थर नू आण के उसने मत्था टेकिया ते बेनतियां कीतियां। पई जब रैन तासो सुपने में कहे बैन, इसी ठौर मेरो पाल मंदिर बनाइए। हुण इह सारी जिहड़ी वार्ता है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई मरदाने नूं सुना रहे ने। कहिंदे ने जदों राजा रात दे वेले सुत्ता ते उस दे सुपने दे विच शिवजी भगवान प्रगट होए और उन्हां ने हुक्म कीता कि जिहड़ी जगह दा तूं निरादर कीता है, उस शिवलिंग नूं दूर सुट्टण दी कोशिश कीती है, उसे जगह ते तूं सोहणा इक मंदिर बनवा दे। जाए नैन मूद मद होए सब काज सिद्ध, करो जिना ऐसी बिद वड्डो दुख पाइए। इस तों इलावा शिवजी ने उस राजे नूं इह भी हुक्म कीता, इह भी ताकीद कीती कि उस तों बाद जिहड़ा भी उस जगह दे अंदर दर्शन करन दे वास्ते जावेगा ओह अपनी अखां नूं मूंद के जावेगा, भाव के अखां नूं बंद करके जावेगा या पट्टी बन के जावेगा। जेकर इसे तरीके दे नाल ओ पट्टी बन के अंदर जावेगा तां उस दे सारे कार्ज सिद्ध होणगे। पर जिसने किसे ने मेरे इस हुक्म दी उलंघना कीती, खुल्लियां अखां दे नाल चला गया या पट्टी बन के ना गया ते फिर कहिंदे ने वड्डो दुख पाईए, उस नूं बहुत वड्डा दुख होवेगा। इह दोवें गल्लां याद रखणियां ने, इक ते उस जगह ते मंदर बनाउणा है ते दूसरा जिहड़ा भी उस मंदर दे विच जावे ओ नंगी अख दे नाल कदे ना जावे, अखां नूं बंद करके जावे या फिर पट्टी बन के जावे। ये दो हदायतां कीतियां राजे नूं उस वेले शिवजी। पई जब पोर बनवाई एह ठौर निप, मंदर है सुंदर स्थान सुख दाईए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जदों ही सवेर होई ते उस तुरक राजे ने फिर इस जगह दे उत्ते एक बहुत सोहना मंदिर बनवा दिता। बिना बांधे नैन जाए अंध है लखायो नाहे, तब ही स्थापना को कीने गाइए। इस तों बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जेड़े ते अखां नूं बंद करके जांदे रहे या कि अखां दे उत्ते पट्टी बन के जांदे रहे उन्हां दे सारे कार्ज सिद्ध होए, पर जेड़ा भी अखां दे उत्ते पट्टी बन के ना गया या अखां नूं खोल के गया ओह अन्ना हो गया। इस तरीके दे नाल इस दी जिहड़ी स्थापना है ना पुरातन होई सी।
है बलवान महेश बडो बनवाए पलो ए थान महाना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मर्दानिया जिहड़ा महेश है जिहड़ा शिव जी भगवान है वह बहुत ही ज्यादा बलवान है बड़ा ताकतवर है उस दी ये जगह जिहड़ी है ना पुरातन बनी हुई है। सानू विष्णु भगवान नू और शिव जी नू और ब्रह्मा नू ये तीन वड्डियां हस्तियां ने इन्हां नू मनना पवेगा क्योंकि साडा जिहड़ा मुढ़ है वह हिंदू है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी दे विच भी इसे गल दा जिक्र कीता है, एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। इसका भाव है कि एका माई उन्हूं माई कह लो बाप कह लो कुछ भी कह लो जो निरंकार परमेश्वर है कहिंदे ने एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान उसने अपने तीन अगे चेले थापे ने आगू थापे ने एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक है संसारी, संसारी कहिंदे ने ब्रह्मा नूं क्योंकि ब्रह्मा मन्या जांदा है कि सिरजना करदा है लोकां दी मनुखां नूं बणाउंदा है जीवां नूं बणाउंदा है। एक संसारी एक भंडारी, भंडारी कहा जांदा है विष्णु भगवान नूं कि सारिआं जीवां दी पालना करदा है हर एक नूं रिज़क देंदा है खाण लई देंदा है एक लाए दीवान। ते तीसरे नंबर ते आउंदा है शिव जी, शिव जी नूं मौत दा देवता आख्या जांदा है कि जदों किसे मनुख नूं मारदा है ओह शिव जी आण के मारदा है एक लाए दीवान। उसकी ड्यूटी है, ब्रह्मा की ड्यूटी यह है कि उन्हें लोगों को बनाना है, विष्णु की ड्यूटी यह है कि उसने रिजक पहुंचाना है, तो शिव जी की ड्यूटी यह है कि उन्हें मार के ना ले जाना। सो मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं जिहड़ा महेश है जिहड़ा शिव जी है वह बहुत ताकतवर है, ये उसकी जगह बनी हुई है मरदानिया इन्हों की नहीं। अंतर मजन ताह करावत आवत बाहर नीर टोराना। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि ओ जिहड़ा अंदर शिवलिंग पिया होया ना उसका मजन करवाया जांदा है उसका इशनान करवाया जांदा है ते ओ जिहड़ा पानी है ना ओ फिर रुड़ रुड़ के ओ तारा बन के बाहर नूं निकलदा है। अजे भी तुसीं शिवजी दे मंदर दे विच चले जाओ कच्ची लस्सी दे नाल या दुध दे नाल शिवलिंग दा इशनान कराया जांदा है उसनूं धोता जांदा है पानी फिर रुड़ के दूर चला जांदा है। इसे तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि शिवलिंग दा इशनान करवाउंदे ने पानी फिर उह बाहर आ जांदा है। हुण जिहड़ा पानी बाहर आउंदा है उसदे बारे संपादक ने गल लिखी है कि पानी दा बाहर आउणा उदों भावें होवे जदों संघ असवद अंदर धरिया होया सी हुण संग असवद दीवार दे विच कढ़िया है ते पानी नाल मजन दा रिवाज भी हुण नहीं रहा। इसे तरह अखां बन के अंदर जाना कदे होवेगा पर हुण इह रिवाज नहीं है। कहण तों भाव है कि जिहड़े वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गए उस वेले रीतियां प्रचलित सन कि पानी दे नाल उसदा इशनान करवाया जांदा सी। हुण कहिंदे ने कि अजकल उह जिहड़ा शिवलिंग है ना उस नूं दीवार दे विच गढ़ दित्ता गया उसका हुण मजन नहीं करवाया जांदा ते हुण जिहड़ी अखां बन के जाण दी रीति है ना इह वी खत्म हो चुकी है भाव के लोकी अखां खोल के ही काबे दे अंदर प्रवेश करदे ने। यों सुन के सब ही बत्तियां पुन बैन बने गुर सोमर दाना। जदों इह सारी वार्ता मरदाने ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तों सुणी ते उस वेले मरदाना इंज कहिंदा है, कहिंदा है हौ नहीं अंध पयो पिखते एक और संदेह सो देह मटाई। कहिंदा सच्चे पातशाह तुसीं कहिंदे हो कि उत्थे जाण दे नाल मनुख अन्ना हो जांदा है पर सच्चे पातशाह मैं ते अखां नूं खोल के गया मैं क्यों नहीं अन्ना होया और इस तों इलावा मेरे मन दे विच एक होर भी संदेह है। हिंदू को काफर क्यों उचरै यह जानत है निजते लगुताई। मरदाना कहिंदा जी मेरे दो सवाल ने, पहला सवाल ये ते है कि मैं अंदर गया ते मैं अन्ना क्यों नहीं होया क्योंकि तुसी दसदे हो कि जिहड़ा भी उत्थे जांदा है वह अन्ना हो जांदा है ते दूसरा मेरे मन दे विच ये सवाल पैदा होया है कि सच्चे पातशाह
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਨ ਪਾਨੇ ਤਬ ਹੀ ਯਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫਰ ਔਰੇ ਬਤਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕਾਫਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਇਆ ਤੁਝ ਪੇ ਨਹੀਂ ਅੰਧ ਭਇਓ ਇਹ ਠੌਰ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਿਗਸਿਓ ਸੁਨਤ ਬੈਨ ਬੈਨ ਰਹੇ ਤੇ ਠੌਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤਿਓ ਦਿਵਸ ਕਹਤੇ ਜਗ ਸਿਰਮੌਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿਣ ਪਾਈ ਪੁਣ ਆਣ ਜਬੇ ਤੇਹ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਦੰਬ ਦਹੇ ਜਿਹ ਸੋਏ ਰਹੇ ਤੇਹ ਤੌਲ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਏ ਪਾਵਨ ਪੈਰਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਾਮ ਨੀ ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਬ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਮੁੱਲਾ ਤਿੰਨ ਹੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਅਜੇ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹਿੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣ ਅਰਥ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬਨਾਰਸ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਆਦਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੇ ਜਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰਨ ਕੋ ਬਡਨੀ ਤਹਿ ਆਵਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾ ਬਹੁ ਬੈਨ ਕਠੋਰਾ। ਜੀਵਨ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜੀਵਨ ਅਤ ਮਤਹੀਨ ਬਹੁ ਬੋਲਣ ਦੁਰਵਚਨ ਕੋ ਔਰ ਨਰਨ ਸਮਚੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਾਕ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਯੋਗ ਵਾਕ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਨ ਸਮਚੀਨ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ।
कित हूं ते आए हुकूमत आन जान तेरी मंदिर रसूल देश चरण पसारे हैं। जीवन सतगुरां नूं कहिंदा है तू कित्थों आया, तेरा की मत है, तेरी जिहड़ी बुद्धि है बड़ी खोटी है, अनजाण है तू, मंदिर रसूल देश चरण पसारे हैं। रसूल दा मंदिर होवे, काबा होवे, ते तू ओहदे वल पैर करके सुता है। कौन है ईमान तेरो, हिंदू के तुरक टेरो, उठ के निकस दिन तोहे दुख वारे हैं। कहिंदा तू कौन है, तेरा की ईमान है, तेरा की धर्म है, तू हिंदू है के मुसलमान है? क्योंकि पिछे भी जिक्र आया कि सतगुरां ने अपना लिबास ही इस तरह का धारण किया हुआ है कि इस गल का पता नहीं लगता ये मुसलमान ने कि हिंदू ने। अद्धा कु बाणा उन्होंने तुरकां का पाया हुआ है ते अद्धा कि लिबास हिंदुआं का धारण किया है। हुण जीवन भी उही गल कहिंदा है, कहिंदा हिंदू के तुरक टेरो, दस तू हिंदू है कि मुसलमान है? उठ के निकस, कहिंदा उठ के इथों दौड़ जा, दिन तो ये दुख वारे हैं। जीवन कहिंदा कि मैनू लगता है कि तेरे जिहड़े दुखां वाले दिन ने ना वह आ गए ने, इसे करके तू एडी वड्डी अवग्या की है कि रसूल पाक काबे दे वल पैर करके सुता है। ऐसे बाण कौन काज आयो है निलाज दौर, जानी ना सिफत जो मुहम्मद बेसारे हैं। कहिंदा केड़े काम दे वास्ते इत्थे आया है? इत्थे ते लोकी हज करन दे वास्ते आउंदे ने, इत्थे ते हज करदे ने, ते तू इन्ना निर्लज है, इन्ना बेशर्म है कि तू सिफत नहीं जानी काबे दी, मुहम्मद साहब नूं विसार के ते काबे दे वल पैर करके सुता है। श्रोण सुन बैन गोने एन गत दैन बोले, चलत चलत मग पग हम हारे हैं। हुण इह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी सहनशीलता दा कमाल है। उसने किन्ने माड़े वचन कहे ने, लत भी मारी आण के, पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों जीवन दीआं गल्लां नूं सुणियां ते मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बड़े ही नरम सुभा दे विच कहिंदे ने, चलत चलत मग पग हम हारे हैं। कहिंदे ने कि असीं ना चलदे हाँ पैरां दे नाल, और चलदिआं चलदिआं असीं बहुत ही ज्यादा थक गए सां। चले पंथ पयो श्रम, थाक पए बेहबल, को सुध रही नहीं पैर कित कीजिए। कहिंदे ने कि असीं ते चलदिआं चलदिआं थक गए सां, सानूं बड़ी थकावट हो गई सी, थकावट दे नाल असीं बहुत ज्यादा बेवस हो गए सां, इस करके इत्थे सौ गए हां, सानू तो इस गल का ख्याल ही नहीं होया कि साढ़े पैर किधर ने ते सिर किधर है। ये सतगुरां ने जवाब दिता, पायो अन जान दोष जाते की जो थोर रोस, ऐसो अब कीजे मम चरण गही जिए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जीवन नू कहिंदे ने कि असी अनजान पुणे दे विच ये गलती की है कि काबे दे वल पैर किते ने। सतगुरु जी कहिंदे ने जान बुझ के असी काबे दे वल पैर नहीं किते, अनजान पुणे साडे तों ये दोष होया, या ते कीजे थोरो रोस, इस करके कहिंदे ने हे मुल्ला जी तुहानू साडे ते रोस जिहड़ा गुस्सा है ना वह घट करना चाहिए है, क्योंकि असी जान बुझ के नहीं किया, अचानक हो गया। ऐसो अब कीजे मम चरण गहे जी। ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिहड़े कौतक करन वाले ने वह कहिंदे ने फिर तुसी इंज कम करो कि मेरे च ते समर्था नहीं है कि मैं अपने पैरां नूं हिला के दूसरे पासे कर लवां, मैं बड़ा थका है, तुसीं मेरे पैरां नूं फड़ लो। उठियो को जोर ना है, या ते कहो तुझ पाहे, ऐंचो निज हाथ संग औरे दिश कीजिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मेरे च इन्ना जोर नहीं है कि मैं उठ सकां, मैं बड़ा थकिया होया, ते तुसीं इवें करो कि मेरे पैरां नूं फड़ लो ते खिच के उस पासे कर दियो जिधर काबा नहीं। आए पर देसी नहीं जाने हम बात ऐसी, जैसी पावे तैसी कर चित में ना खीजिए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस जीवन नूं कहिंदे ने कि असी ते परदेसी हाँ, असी नहीं जानते कि इत्थे किस तरह की रौ रीत चलती है। कहिंदे ने जिस तरह तुहाडे अनुसार है तुसी उसे तरह कर लो, पर गुस्सा ना करो, जे इधर काबा है तुहाडा ते उधर मेरे पैरां नूं कर दियो जिधर काबा नहीं। जित दिश नहीं खुदाए कर, तै जान्यो मन माहे, क
करो मुलाने तित दिशा बरजत तुझ को ना है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तू बार बार कह रहे हैं कि मैं उस पासे पैर करके सुता है जिथे खुदा दा घर है। ते कहंदे ने जिथे खुदा दा घर नहीं है, जिधर काबा नहीं है, तू जानदा है इस गल नू कि इस पासे खुदा नहीं रहिंदा, इत्थे खुदा दा घर नहीं है, ते तू मेरे पैरां नू बुलाणिया चुक के उधर कर दे, मैं तेनू नहीं रोकांगा। मुल्ला रे सकीनी गहली नो है चरण गोर बालसों का सीट और दिशा पर माए हैं। कवि जी लिखते ने मुल्ला ने उस जीवन ने गुस्सा किया ते सतगुरां दे पैरां नू फड़ के जोर दे नाल कसीटिया ते होर ही दिशा दे वल सतगुरां दे चरण फेर दिते। काबा संग चलियो नीर नौका जिम हलियो तब पयो थिर जाए जिते चरण सवाए हैं। और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ऐसा कौतक वरताया कि जदों चरणा तो फड़ के उसने खिचिया ते कहिंदे ने ज्यों ज्यों चरण घूमे तिवे तिवे काबा भी नाल दी नाल ही घूमदा गया। जदों उसने चरणा नू छड्डिया ते उत्थे ही काबा रुक गया जिथे के सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण सन, भाव के चरणा दे सनमुख आके जिहड़ा काबा सी ना ओह स्थिर हो गया। इस तरह हिलिया नीर नौका जिम हलियो, कहिंदे ने इस तरह होया कि जिवें पानी दे विच बेड़ी घूम जांदी है ना, इस तरह दुआले दुआले सतगुरां दे घूम गया ते जिथे जा के उसने जीवन ने चरण छड्डे उत्थे सामने काबा भी सनमुख हो गया। काबे दे फिरन तो कई मुसलमान कहिंदे हन कि इह गल किस तरह हो सकदी है कि काबा गुरु जी दे चरणा दे नाल फिरिया होवे, परंतु मुसलमाना दियां प्रमाणिक पुस्तकां दे विच अजिहियां उदाहरणां मिलदियां हन कि जिन्हां विच काबे दे अपनी असल जगह तों हिलण जुलण नूं मन्निया गया है। हजरत इबन अरबी अपनी लिखत फतहूहात मकी विच लिखदे हन कि इन्हां ने काबे बाबत अपने दिल दे विच कुझ अजोग ख्याल कीते। जद ये काबे दी प्रदक्षिणा करन लगे तद इन्हां ने तकिया कि काबा अपनियां नीहां समेत अपनी जगह तों उठ के आकाश वल तुर पिया है ते काबे ने निश्चा कर लिया है कि मेरे ते डिग के मैनू मार देवे। काबे ने मैनू एथों तक कहा कि अगे आ मैं तेनू दसा कि तेरे नाल की सलूक करदा हां। मैं डर के काबे दी उस्तति कीती जिस तों ओह मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इसरार शरीयत किताब दे विच ये गल लिखी हुई है दूजे हिस्से दे विच पन्ना 74 दे उत्ते जिहड़ी ये गल मैं पहला आखी। इसे तरह नाल एक होर रवायत है कि राबिया या रायबा जद दूजी वेर हज करन गई तद जंगल दे विच काबे नू अपने स्वागत लई उसने आउंदा वेख्या ते कहा मैं तां खुदा नू चाहुंदी हां, खुदा दे घर नू मैं की करना है, जिहड़ा मेरे वल एक गिठ तुर के आवेगा मैं उहदे वल एक गज वधांगी। मैं काबे नू की करां, काबे दे जमाल तों किस तरह खुश होवां। इस तों अगे लिखिया है कि हजरत इब्राहिम आदम मक्के गए खाना काबा नू अपनी थां उत्ते ना वेख के हैरान हो गए कि हैं ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਾਬਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਕਾਤੁਲ ਔਲੀਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਬੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਜੁੱਲਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੇ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੱਕ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੇ ਨੇ ਕੀਆ ਤੇਰਾ ਤਵਾਫ਼,
जाहिरो बातन तेरा मानिंदे आईना है साफ। इस तरह उसने लिखा हुआ है। सो कहण दा सारा भाव यह है कि यह गल झूठ नहीं है कि मुसलमान भावे इस गल नूं नहीं मनदे कि गुरु जी दे चरणा दे नाल काबा घूमिया, पर दरअसल उन्हां दीआं अपणीआं लिखतां ही यह सिद्ध करदीआं ने कि काबा एक वारी नहीं बड़ी वारी हिलिया। सो इस तरीके दे नाल उस वेले काबा हिलिया। इस सारी घटना नूं विश्व नूर दे जिहड़े करता ने ना, उन्हां ने अपनी कलम दे नाल इस तरह बयान किया है। रात पई तां थके टुटे आ मस्जिद विच सुते, नींद ने निघी झोली चाया साईं सुरत परोते। हाजी ना जिस जीवन आखण ओ मस्जिद विच आया, सुता वेख मनुख नूं उसदा मन अंदरों खुणसाया। सुत्या पैर होए वल काबे जीवन आ लत मारी, कौन बेअदबी करदा ए पिया मन विच जिसदे कफारी। पेशी वेले नमाज दा वक्त होया ते वेखो, उठन ते ना आउंदा काफर सिर भवया ए वेखो। सत नाम कह जाग पए ने नैन नुरानी चाए, अल्लाह लोका खफा कास नूं होवे इउं फरमाए। जो एह पैर होए वल काबे तां तूं पकड़ भवां दे, जिधर नहीं खुदा जी दा कर फड़ के उधर टिका दे। सतगुरां ने आख्या जिधर नहीं खुदा दा कर तू साडे पैर उधर कर दे। फिर मन उस दे विच आई होर रती अजमावां, लैंदा चरण पकड़ हत्थां विच देंदा ओ वलावां। नैन खुले वेखे हर पासे मौला ते लख मक्के, कोई जगह ना खाली उस बिन कण कण विच ओ टके। नैन उस दे सनमुख वेखण पावन मक्का फिरदा, चरण जिधर हुंदे नानक दे पौंदा उधर चुगिरदा। इउं जापे ज्यों सारी धरती चरणा पिछे लगी, एक केंद्र ने ब्रह्मांड नूं देण मनो उसरगी। इस तरह लगा कि जिवें सारी कायनात ही सतगुरां दे दुआले घूम रही होवे। इस तरीके दे नाल जदों चरणा नूं फड़ के जीवन ने घुमाया ते मक्का अपने आप ही घूम गया। भाई गुरदास जी जिन्हां नूं ये माण हासिल है कि सतगुरु साहिबाना ने भाई गुरदास नूं ये वरदान दिता कि उन्हां दी लिखी हुई जिहड़ी बाणी है उस नूं गुरबाणी दी कुंजी आख्या जांदा है। जेकर इह मन लिया जावे कि सतगुरु साहिबाना दी लिखी हुई जिहड़ी गुरबाणी है उह इक जिंदरा है ते उस जिंदरे नूं खोलण वाली जिहड़ी कुंजी है ना उह भाई गुरदास दी बाणी नूं मन्निया गया। इस कथा दे बाबत भाई गुरदास जी अपनी पहली वार दी 32वीं पौड़ी दे विच इस तरह लिखदे ने इस घटना नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मक्के जाण बारे। भाई गुरदास जी लिखदे ने बाबा फेर मक्के गया नील बस्त्र धार बनवारी। बाबा उन्हां ने हर एक जगह दे उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वास्ते वरत्या, क्योंकि भाई गुरदास जी ने जिन्नी भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वास्ते अपनी बाणी उचारी उत्थे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जगह दे उत्ते उन्हां ने बाबा शब्द वरते। कहिंदे ने कि बाबा फिर मक्के गया नील बस्त्र धार बनवारी, आसा हथ किताब कछ कूंजा बाग मुसला तारी। उन्हां दे हथ दे विच आसा सी सोटा सी, इस तों इलावा किताब कछ दे विच सी और कूंजा ते बाग ते मुसला, इह सारियां मुसलमानां दीआं गीतियां जिहड़ियां सी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਉਸ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਬਜਗਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ। ਟੰਗ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੇ
पर भाई गुरदास जी लिखते ने फिरिया मक्का कला दिखाई, जिहड़ा काबा सी ओह भी नाल ही फिर गया, ऐसा कौतक सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दिखाया। होए हैरान करेन जोहारी, आखिरकार ओ हैरान होए ते जोहारा करदे ने, नमस्कारा करदे ने। भाई गुरदास ने इस घटना नूं इंज बयान कीता है। हट्यो जब देखियो जित पग तित काबा गयो, मूड़ मत बिस्म न कछु जान पाए हैं। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, हट के जदों देखिया ते जिहड़े पासे चरण टिक गए सन, उधर ओ जिहड़ा काबा सी ओ भी टिक गया सी। उस वेले मूर्ख जिहड़ा जीवन सी ना, उसने तां वी सतगुरां दे कौतक नूं नहीं जाणिया, नहीं मन्निया। हाथ बेखे पाए ज्यो ज्यो तसो डोलाए, मन त्यो त्यो तौल संग सो मुनारन डोलाए हैं। एक वारी नहीं, दो वारी नहीं, पता नहीं किन्नी वार उसने लत्तां तो फड़के कमाया। ज्यो ज्यो कवि जी कहिंदे ने कमाउंदा जांदा है, त्यो त्यो काबा नाल घुमदा जांदा है। बड़ी वारी उन्हें इसे तरह किया, पर आखिरकार वह थक हार गया, क्योंकि मुनारियां दे समेत काबा सतगुरां दे नाल ही जलदा है। लज्जत हो गयो तब जीवन, पेद को जानत हुआ ना गवारा। आखिरकार ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि लज्जत हो गया, शर्मिंदा हो गया ओ मुल्ला जीवन, पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे भेद नू उसने फिर भी गवार ने नहीं जाने। छोर दए पद काबा पायो थिर, मंद मती किया क्रोध आया पारा। आखिरकार जीवन ने हार के सतगुरां दे चरणां नूं छड़ दिता। जदों ही सतगुरां दे चरणां नूं छड़िया ते काबा टिक गया। जिधर सतगुरां दे चरण सी उधर काबा टिक गया। मंद मती किया क्रोध आया पारा, उस खोटी बुद्धि वाले जीवन ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। को चले न जबे बस ता छिन, पूर कठोर व बचन उचारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों उसका कोई भी चारा ना चलिया, उस वेले उसने बहुता ज्यादा गुस्सा किया ते कठोरता दे नाल उसने सतगुरां नूं इंज आख्या। कहिंदा तूरन बाहर को निकसो, रहबे हित लाओ ना थोर आवारा। कहिंदा है कि छेती दे नाल इथों उठ के तू दूर चलिया जा। कहिंदा है कि रता भी इस काम दे वास्ते देर ना ला, इत्थे हुण तू एक मिंट वास्ते भी ठहर नहीं सकदा। सच बताओ तू कौन है, हिंदन जैसी रीत मुसलमान क्यों कर सके जो ऐसी विपरीत। उस वेले मुल्ला जीवन कहिंदा है सतगुरां नूं के सचो सच दस तू कौन है, क्योंकि ना तू हिंदू लगदा है ना तू मुसलमान लगदा है। क्योंकि इस गल दा बहुती वारी जिक्र आया है कि सतगुरां ने इस तरह दा बाणा बनाया होया, ना हिंदू लगदे ने ना पूरे मुसलमान लगदे ने। कहिंदा सचो सच दस तू कौन है, हिंदन जैसी रीत, पर कहिंदा मैनू लगदा है कि तेरी जिहड़ी रीति है ना वह हिंदुआं वाली है। मैं अनुमान ला सकदा, क्यों ला सकदा, क्योंकि मुसलमान क्यों कर सके जो ऐसी विपरीत। जिहड़ा मुसलमान है ऐसी पुठी विपरीत गल कर ही नहीं सकदा कि मुसलमान होवे ते फिर वह पाक काबे दे वल अपने पैरां नूं कर लवे। इस करके तू मुसलमान नहीं हो सकदा, तू जरूर हिंदू है, इसे करके तू पवित्र काबे दे वल अपने पैरां नूं पसारे। सुबह वक्त की असैन को जानत नहीं निवाज, कहते आए गवार तू नहीं मान की लाज। जीवन मुल्ला कहिंदा है कि देख सुबह दा वक्त है, सवेर दा वेला है, और ये जरा वेला है ना ये सौण दा नहीं है, ये वेला है नवाज पढ़न दा, ते तू कित्थों गवार मुसलमान आ गया है कि तू अपने ईमान नूं छड़ के अपने धर्म नूं छड़ के इस वेले दी नवाज नूं छड़ के तू बेलज होके इत्थे सुत्ता पिया। तू मुसलमान नहीं हो सकदा, तू जरूर हिंदू है,
क्योंकि ऐसियां जिहड़ियां विपरीत गल्लां ने ओह कदे मुसलमान कर नहीं सकदे, ना ओह काबे दे वल अपने पैरां नूं कर सकदे ने, ना ही नमाज दा वेला खुंझा सकदे। उठ बैठे सिर गुर तबे सुमती देन बेसाल, नीकी करन निवाज को कह सलोक तह काल। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों जीवन ने इस तरह दियां गल्लां आखियां ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उठ के बह गए ने उस नूं श्रेष्ठ मत दा दान दे वास्ते। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी दे द्वारा, अपने गुरबाणी दे सलोक दे द्वारा यह कहण दा जिक्र कीता है कि नवाज केड़ी होनी चाहिए है और किस तरह की होनी चाहिए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी लिखते ने, पांज नवाजा वक्त पांज, पांज पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास, मन पंजवी सिफत सनाए, करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाए, नानक जेते कूड़ यार कूड़ै कूड़ी पाए। ये सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी का बयान किया। सो साध संगत जी, इस गल का समा नहीं है कि इस शब्द के मैं अर्थां नूं बयान करा। कल नूं जिस तरीके दे नाल इस कथा नूं अगे ग्रंथाकार जी तोरणगे, मैं उस तरह इस अगली कथा का बयान करांगा। सो अज समय की समाप्ति है, इन्निया ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जश कर। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो मन हार, हे संता कै सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।